तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, अरे आमने सामने तेरे घर के सामने मचा है कैसा शोर। देखो लूट रहे हैं इसका मजा सब, हुआ न कोई बोर। यहाँ मौज मस्ती होती है कुश्ती, बेचारे पति आए देख तमाशा देख, तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, पंखा नहीं चला। ऐश्वर्या, ओ ऐश्वर्या, क्या है? अरे गर्मी क्यों पड़ रही है आज इतनी? मुझे क्या पता, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ लो जैसे कि मैं टीवी पर मौसम की न्यूज़ पढ़ती हूँ। पंखा स्ट्राइक पर है। मेरा मतलब है कि नहीं चल रहा है, और अगर चलता भी है तो अजीबोगरीब आवाजें आती है उसमें से। तो तुम भी जब बात करते हो तो अजीबोगरीब आवाजें आती है। पंखा चला यार। ओ, खुद नहीं चला सकते? लो चला दिया। ये पंखा तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे लोकल ट्रेन का पंखा करता है, हवा कम और आवाज ज्यादा। कहा तो था आप कुछ कीजिए ना, तो गर्मी में हमारी जान निकली ऊपर से आवाज। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, पांडे तुम घर पर हो? क्यों, तू क्या उम्मीद लेके आया था कि मैं यहाँ नहीं हूँ? इसी बात नहीं है क्या, आज संडे है तो कुछ खास प्रोग्राम नहीं बनाया? बनाया तो था यार। कौन सा? घर पे आराम से रहूंगा, लेकिन गर्मी इतनी है कि आराम कहाँ से करूँ यार। अरे जोशी, तुम किसी फैन के मकाने को जानते हो? देखो ना कितनी आवाज कर रहा है हमारा फैन। ओ, ये फैन की आवाज है? हाँ? इतनी देर से मैं सोच रहा था कि पांडे गा रहा है। जोशी अंकल, आप किसी मैकेनिक को भेजे ना, हमारे घर के सारे के सारे फैन खराब हो गए। हाँ, और बेडरूम का तो इतना खराब हो गया कि कभी कभी हाथ से चलाना पड़ता है। अरे तुम क्या फैन की बात कर रहे हो, पांडे इतना बड़ा ऑफिसर है, तुम तुम्हारे बेडरूम में एसी फिट कर दो। एसी? मनु, आइडिया बुरा नहीं है। अरे जोशी के बच्चे, तू जब भी मेरे घर पे आता है मुझे भिखारी बनाने का प्लान लेकर ही आता है तू। देखो मैंने सिर्फ सुझाव दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। मनु चलो ना, बेडरूम में एसी लगा लेते हैं ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पता बिजली का बिल कितना आएगा? ओफो, तुम तो कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। अब तुम्हारे लिए करने लायक एक ही चीज बची है। क्या? गले में मैं रस्सी बांधता हूँ, पंखे से लटक जाता हूँ। ओफो मनु, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले बेडरूम में एसी तो लगा ले। हाँ भैया, आप एसी खरीद लीजिए ना, आप तो सारा दिन एसी में बैठ रहे थे, और यहाँ पे हम दोनों की गर्मी में जान निकल जाती है। जोशी कर दिया ना सत्यानाश तूने मेरा, उसके पैसे कौन देगा इसे? पांडे, पांडे तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हें एक सस्ते में एसी दिलवा दूंगा। क्या है, मेरा एक दोस्त है, वो अपना घर बेच रहा है। बिजली का बिल भरा नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है, उसने जो नया घर लिया है ना, उसमें ऑलरेडी एक एसी है, इसलिए वो अपना पुराना एसी बेच रहा है। क्या एसी है? कीमत सिर्फ 10,000 रुपए, 5,000 अभी दे दो, 5,000 बाद में घर में एसी फिट, और हाँ बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है तो फिर मैं सुष्मिता से पूछता हूँ, बेचारी अभी बालकनी में खड़ी होकर पसीना पोंछ रही थी। सुष्मिता से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? एसी हमारे घर में ही लगेगा। अरे 10,000 रुपए सुष्मिता को जलाने के लिए बहुत कम है। सुसु डार्लिंग, सुसु डार्लिंग। क्या है लालू? अरे भाई मेरा कोट लाओ, मुझे देर हो रही है। तुम कोट पहनकर कॉलेज जाओगे, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी? डार्लिंग हमारे देश में मौसम का और कपड़ों का कोई संबंध नहीं होता, मौसम के हिसाब से तो मुझे आज चड्डी बनियान पहन के जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं जीजू, ऐसी गलती तो आप बिल्कुल मत करना। वैसे भी आप शर्ट और पैंट में इतने कॉमिक लगते, अगर आप चड्डी बनियान पहनकर बाहर निकले ना तो कुत्ते आपके पीछे पड़े आएंगे। तू मेरे पीछे मत पड़, कोट लेकर आओ। आज हमारे कॉलेज में एजुकेशन इंस्पेक्टर आने वाला है, इसलिए हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा है सारे प्रोफेसरों को अच्छे कपड़े पहन के आना पड़ेगा। लेकिन कोट पहनकर जाओगे तो गर्मी नहीं लगेगी? तुम फिकर मत करो सुसु डार्लिंग, जब भी मुझे गर्मी लगती है ना मैं सीधा प्रिंसिपल साहब की एसी कैबिन में चला जाता हूँ। क्या हाँ वो, ये शांति जब भी हमारे घर में आती है हमारे घर में अशांति फैल जाती है। अरे ओ सुष्मिता, ओ सुष्मिता, शांति शांति एक मिनट, क्या है तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करती हो ना, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, थोड़ा हिस्सा बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे ओ सुष्मिता, वो ऐश्वर्या है ना, ऐश्वर्या वो अपने बेडरूम में एयर कंडीशन लगवा रही है। मर गया। एयर कंडीशनर? लालू सुना तुमने? तो
गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो ये शांति को लेकर हिमालय पर्वत चली जाओ। मेरे पास एसी लगाने के लिए पैसे नहीं है। अरे सुष्मिता, ये लालू इतना चिल्ला क्यों रहा है? चिल्लाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? तुझे यहाँ आके ये न्यूज देने की क्या जरूरत थी कि ऐश्वर्या अपने घर में एसी लगा रही है? अरे बता तो क्या हुआ? मुझे पसीना छूट रहा है। मैं शीतल। यस सर। आज कॉलेज में एजुकेशन इंस्पेक्टर आ रहा है, पता है ना? पता है सर। कॉलेज के सारे अच्छे प्रोफेसर को बोल दो कि तैयार होकर आ जाए उसके स्वागत के लिए। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है सर। प्रोफेसर देसाई, प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर देशपांडे, प्रोफेसर देश को बोलने के लिए किसने कहा था? मैंने कहा था कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर को बोलो। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर लेट हो गया। ये देखो सूट पहन के आए देशपांडे, ये क्या उलिया बना रखा है? सर मैं लोकल ट्रेन से आया ना। अरे लोकल ट्रेन से तो हम सभी लोग आते हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है लोगों ने चोर समझ के बहुत मारा है। कुछ ऐसा ही हुआ सर। क्या? लोकल ट्रेन में लोगों ने मुझे इस कॉलेज का प्रिंसिपल समझ लिया। तुम क्या हंस रही हो? जा बाहर जाकर दरवाजे पे खड़ी रहो, गुलदस्ता लेकर इंस्पेक्टर का स्वागत करना जा। देशपांडे आज कॉलेज में एजुकेशन इंस्पेक्टर आ रहा है, अपना होलिया ठीक करो वरना कॉलेज से निकालूंगा। चलो कॉलेज से निकाल दे, तेरे बाप का माल है। एसी की हवा खा लेता हूँ, क्या गर्मी हो रही है आज। क्या हो रहा है, क्या हो रही है? गो टू योर क्लास, गो टू योर क्लास। ए साधु इधर आओ, इधर आओ। हाँ सर। देखो आज एजुकेशन इंस्पेक्टर आ रहा है अपने कॉलेज में। हाँ मेरी केबिन में जाओ और जो भी कचरा सब साफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब आइए आइए। अब जरा अच्छा लग रहा है। देशपांडे कहीं नजर नहीं आ रहे। बुला रहा हूँ, अभी बुलाता हूँ। अच्छा देशपांडे, देशपांडे मेरे कपड़े। वो एसी की। अच्छा अच्छा ये आपका एसी मैकेनिक है? बहुत ही खराब हो गया है, मुझे लगता है रिपेयरिंग के लिए जापान भेजना पड़ेगा। प्रोफेसर देशपांडे जी, एक कपड़े आपके मैंने गलती से लेके जाते हैं। यानी प्रोफेसर देशपांडे है? टू इन वन प्रोफेसर, एसी भी गणित दोनों साथ में। इनडिसिप्लिन। नहीं सर, वेरी इनडिसिप्लिन सर। आई विल कॉलेज से निकाल देंगे ना, निकाल देना, निकाल देना। लगता है इस बार सचमुच निकालेगा। अरे मैकेनिक भैया हो गया कि नहीं? बस हो गया मैडम, समझ लीजिए। ओ भाभी यार रियली ग्रेट, आपकी वजह से हमारे घर में एसी आ गया। अरे मैं नहीं, तुम्हारे भैया ग्रेट हैं जिन्होंने जोशी से कहा कि ये एसी लगवा दे। हेलो हेलो। हाँ मनु बोलो। वो एयर कंडीशनिंग वाले आ गए क्या? अरे हाँ अभी अभी लगा रहा है एसी। अच्छा सब कुछ ठीक तरह चेक करा लेना। हाँ हाँ कर लूंगी। मनु तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। तुम भी कितनी अच्छी हो मेरी जान और डार्लिंग। छोड़िए ना सर, छोड़िए ना। मनु हाँ? ये छोड़िए ना कौन बोल रहा है? कुछ नहीं लगता है, क्रॉस कनेक्शन हो गया है, क्रॉस कनेक्शन हो गया लगता है। छोड़िए ना सर। क्रॉस कनेक्शन, छोड़िए ना। देखा देखा बीच में फिर आवाज आ रही है, देखा। हैव अ नाइस एयर कंडीशनिंग डे, ओके बाय। जब मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हो? चुप कैसे रहो सर, जब भी आप अपनी बीवी से बात करते हैं तो मेरा हाथ क्यों पकड़ लेते हैं? वो तो अनजाने में पकड़ लेता हूँ यार। अनजाने में हाँ? ठीक है ठीक है, दोनों हाथे। मैडम मेरा काम हो गया, आप जरा देख लीजिए कूलिंग वगैरह ठीक है ना? ठीक है कूलिंग? नहीं भाभी हवा कम आ रही है। हाँ? नहीं मैडम अभी नया है ना, गर्म होने में टाइम जाएगा। क्या गर्म? अरे हमें गर्म नहीं ठंडा एसी चाहिए। अरे बिल्कुल ठंडा एसी मिलेगा, लेकिन आप जरा दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए। तुम्हारे यहाँ होते हुए दरवाजे खिड़कियां? नहीं नहीं मेरे होते नहीं, मेरे जाने के बाद। अरे सुष्मिता चल जाएगी।
सुष्मिता तो मुझे बार बार पूछ रही है तुम्हारे एसी का क्या हुआ, तुम्हारे एसी का क्या हुआ। जाओ ना बताओ उसे कि हमारा एसी लग गया है। जाता हूँ जाता हूँ, लेकिन पहले तुम्हारे एसी की हवा तो खाओ, ठंडी हवाएं। मैं ही बताती हूँ। अरे जरा खिड़की और दरवाजे बंद रखना, एसी की हवा बाहर ना निकल जाए। पता नहीं क्या समझती अपने आप को, आने तो मेरे लालू को। सुसु डार्लिंग, भाई जल्दी से खाना लगाओ, मुझे जोरों की भूख लगी है। आज मैंने खाना नहीं बनाया। क्यों? अरे वो ऐश्वर्या के बेडरूम में एसी लगा है तो सुबह से शाम तक खिड़की से जला रही है मुझे। मतलब वो एसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। एसी लोगों को ठंडा करने के लिए होता है और वो एसी से लोगों को जला रही है। फालतू जोक मत मारो, जाकर पता कर लो कि एसी कितने में आता है। सुसु मैंने सुबह ही तुम्हें कहा है हम एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर ऐश्वर्या अफोर्ड कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते? तुम ये कमाल का लॉजिक लगा रही हो तुम। अरे दूसरी कोई औरत होती तो बात अलग होती लालू, लेकिन ऐश्वर्या एसी बेडरूम में सोए और मैं फैन के नीचे करवट बदलूं? कभी नहीं। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि तुम करवट बदलो? करवट मत बदलना। हे भगवान, तुम्हारे जैसा बेवकूफ पति किसी का नहीं होगा। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या समझ रहे लालू? सुष्मिता, अरे सुष्मिता। शांति आओ। अरे क्या आओ? ए शांति क्यों आई है तू? ए चुप। अरे ओ सुष्मिता, अरे ओ ऐश्वर्या का एसी इतना पावरफुल है, मैं वहाँ 5 मिनट बैठी तो मुझे जुकाम हो गया। ए शांति, बेडरूम में पांडे भी था क्या? क्या मतलब? क्या बकरे हो लालू? ए शांति तू जा, जाके पता कर ले कि ऐश्वर्या ने एसी कितने में खरीदा है। अरे सुष्मिता सिर्फ 10,000 रुपए में। सिर्फ 10,000? सस्ता है। हाँ हाँ सस्ता है, लेकिन उसके पास एसी तो है, मेरे पास क्यों नहीं? एक काम करो, मेरे गहने बेच दो और एसी लेकर आओ। डार्लिंग तुम्हारे पास इतने गहने नहीं है, तुम्हारे गहनों से सिर्फ एक छोटा सा फैन खरीद सकते हैं हम। लालू, शांति के सामने मुझे इतना जलील करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं वो कौन सी मनोजगढ़ी थी जिस वक्त मैंने तुमसे शादी कर ली। जरूर शांति का जन्मदिन होगा। तू बार बार मुझे बीच में क्यों घसीटता है? तो क्या करो, जब देखो ऐश्वर्या के घर की खबरें हमारे घर में आके फैलाती रहती है। तेरा जी तो करता है तेरा गला दबा। डर गई। ये करने की क्या जरूरत थी? चुप रहो वरना तुम्हारा भी गला। जब मेरी जान। हाय सच्चू। हाय सच्चू, तुम्हें पता है मेरी भाभी ने एसी ले लिया। अच्छा, तो इसमें रुबाब मारने की कौन सी बात है? कल मैं सारा दिन एसी बेडरूम में बैठी थी और रात को मैं और मेरी भाभी एसी रूम में सोए थे, तभी तुम्हारा हाथ इतना ठंडा हो गया है। छोड़ मेरा हाथ, हमने जब से एसी ले लिया हमारा स्टैंडर्ड तुमसे भी ऊंचा हो गया है। बढ़िया, ये स्टैंडर्ड वाली, घर में एसी लगाने से इतना फर्क पड़ जाता है क्या? फर्क पड़ता है। अब मैंने ठान लिया मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से जिसके घर में एसी हो। लगता है एसी में पैदा भी क्या? तो मैं जान मेरी, लेकिन तुमने परसों ही तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ झोपड़े में तो क्या सड़क पे भी सोने के लिए तैयार हो। तैयार हूँ, लेकिन वहाँ एसी होना चाहिए। ये तुम्हारे सर पे एसी का भूत कब से सवार हो गया है? जब से मैं एसी बेडरूम में सो के उठी हूँ। एसी में सोने से कितने अच्छे से सपने आते हैं। अच्छा, तो क्या ये शहजादा तुम्हारे सपने में आया था? आया था, लेकिन हमेशा की तरह तुम अपना पसीना नहीं पोंछ रहे थे। वरना तो तुम जब भी मेरे सपने में आते हो आधा हम अपना पसीना पोंछने में लगा देते। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें प्रपोज करने से पहले मुझे एयर कंडीशन खरीदना पड़ेगा? खरीद नहीं सकते हो तो भाड़े पे ले लो। तो तुम एक काम करो, तुम है ना किसी एयर कंडीशन मैकेनिक से ही शादी कर लो। मैंने तो पहले यही सोचा था, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे सोने के वक्त वो एसी रिपेयर कर दे। कहाँ जा रहे हो? एसी लड़की की तलाश में जिसे एसी पसंद ना हो। बाय सच्चू। अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ, क्या तूने किया जादू? कभी घबराओ कभी हेलो जी, एक मिनट। देशपांडे जी। यस। आपका फोन। हेलो लालू, तुमने मेरा काम किया? कौन सा काम डार्लिंग? अरे कौन सा क्या कौन सा, मैंने तुम्हें एसी के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा था ना। अरे क्या एसी एसी लगा रखा है हमारे घर में, क्या पैसों का झाड़ उगा है? एसी कहाँ से लाऊं मैं? कान खोल कर सुन लो लालू, अगर शाम तक हमारे घर में एसी नहीं आया ना, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी, समझे? हेलो हेलो, कट कर दिया कट कर दिया।
क्या बात है देशपांडे जी? As usual, रोज का प्रॉब्लम। ऐश्वर्या के घर में एसी फिट हुआ, इसलिए मेरी वाइफ भी कह रही है कि हमारे घर में भी एसी फिट होना चाहिए। अब आप ही बताइए शीतल जी, हमारी पगार से क्या हम एसी खरीद सकते हैं? आप एक काम कीजिए ना देशपांडे जी, आप एक डमी एसी ले लीजिए। डमी एसी? आपकी वाइफ को सिर्फ अपने पड़ोसन को जलाना है ना? हाँ। बस तो आप एक डमी एसी ले लीजिए, आपको लाइट का बिल भी नहीं भरना पड़ेगा और सुष्मिता जी को ऐश्वर्या जी को जलाने का सुख भी मिल जाएगा। अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है देशपांडे। अरे जोशी, तू यहाँ क्या कर रहा है? सालेर करके एक 500 रुपया उधार दे दो। बोलो, 500 रुपये मांग रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता क्रॉस करने के लिए मदद मांग रहा है। अरे मेरे पास 500 रुपये होते तो मैं घर में एसी फिट नहीं करवाता। एसी? एयर कंडीशन? तुम्हें एयर कंडीशन चाहिए? पहले क्यों नहीं बताया यार? क्यों? अरे कल ही मैंने पांडे को एक एसी दिलवाया एकदम सस्ते में। मतलब सारे फसाद की जड़ ये है जोशी, तेरे उस एसी ने तो मेरे घर में आग लगा दी है। वो कैसे? अरे क्या, जब से तूने पांडे के घर में एसी फिट करवाया मेरी वाइफ भी कह रही है कि हमारे घर में भी एसी होना चाहिए। वो तो होना ही था। एक काम करो, एक एसी खरीद कर दे दो, एक डीलर मेरा दोस्त है। तेरा दोस्त है? हाँ। अरे वाह जोशी, तू मुझे डमी एसी दिलवा सकता है? डमी एसी? हाँ। अरे ये अभी अभी शीतल जी ने आइडिया दिया ना कि डमी एसी फिट करवाओगे तो काम बन जाएगा। अरे डमी एसी तो मैं तुम्हें यू ला कर दे दूंगा। अरे वाह, मतलब आपके पास डमी एसी है? अरे ये डमी का तो एक्सपर्ट है। वो कैसे? क्योंकि वो खुद एक डमी है। सुष्मिता। ए सुष्मिता। क्या है? अरे तुझे पता है हमारे बेडरूम में ना एसी लग गया है। तुम्हारे बेडरूम में एसी लग गया तो मैं क्या करूं? अरे इतना अच्छा एसी है, एकदम कमरा खोलते ही ना ठंडी ठंडी हवा लगती है। तुम्हारे होते हुए भी? मेरा एसी तो तब गर्म हवा देता है जब कोई ऐसा उस कमरे में घुसे जिसे हमसे जलन होती है। ए, तुमसे जले हमारी जूती। मेरा हस्बैंड भी एसी ला रहा है। अरे तुम्हारा हस्बैंड तो घुमोरियों का पाउडर ले है ना, तो बड़ी बात है, एसी की बात करती है। पता नहीं क्या समस्या अपने आप को। लालू, एसी लाए? लालू, लालू नया एसी लेके आए? चलो चलो इसे बेडरूम में फिट करवाओ, तब तक मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। पागल औरत, इतना प्रसाद चढ़ाएगी कि प्रसाद की वैल्यू एसी से बढ़ जाएगी। देशपांडे बाबा जो जल्दी करो जल्दी। लेकिन संभाल के। वैसे जोशी वजन ज्यादा नहीं है। अरे भारी असली एसी होता है, एसी का खोखा नहीं। संभाल के करना पड़ेगा वरना एसी का ढक्कन खुल जाएगा। बंद कर। एसी है, एसी। भारे से लाया क्या? भारे अंदर भाड़े का है। नहीं देखा, असली है। ये जगह ठीक रहेगी। तो देख यहाँ स्विच बोर्ड भी है। लेकिन ऑन मत करना। क्यों? क्योंकि एसी डमी है, कहीं शॉक लग गया तो एसी की जगह तुम ठंडे हो जाओगे। अरे जोशी, ठंडा तो मैं तब होऊंगा जब सुष्मिता को पता चलेगा कि ये डमी एसी है और अंदर से खोखला है। देश पांडे, सुष्मिता को पता चलेगा कैसे? अरे चलेगा, मेरा एक साला है सुष्मिता का भाई। सचिन गद्दार नंबर वन, वो सिर्फ एक ही काम करता है, मेरे जितने भी फॉल्ट होते हैं ना वो सुष्मिता को बताता है और फिर जाके रिचू को बताता है। ये बात है। अरे उसका बंदोबस्त है हमारे पास। क्या? देखो देश पांडे, ये है फैन। ये है फैन, इसे यहाँ रख देते हैं और जब भी एसी स्टार्ट करने का वक्त आएगा तो ये फैन शुरू कर देते हैं तो भाई। अरे वाह जोशी, अरे तुझे तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। क्या आइडिया लगा है, मैं तो तेरा फैन हो गया। चल तुझे भी अंदर फिट कर देते हैं। ए फालतू जोक मत मार। अब ये बता, ये फैन से रूम ठंडा नहीं हुआ तो? अरे उसका भी बंदोबस्त है हमारे पास। देखो अपने पास फ्रिज है, फ्रिज में बर्फ है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े करके अंदर डाल देते हैं, जब फैन की हवा बर्फीली होकर यहाँ से बाहर आएगी तो होगी ठंडी हवा। मोटी, अब तो हमारा स्टैंडर्ड है ना तुम्हारे लेवल का हो गया, बल्कि उससे ऊंचा। अब तो तुम्हें मुझे कोई शिकायत नहीं जानता। एसी में तुम कपड़े धोगी? कुछ नहीं भैया, भैया तुम्हें पता है सचिन के घर में भी एसी आ गया। ने एसी ले लिया।
बेचारा, अब उसकी सारी तनख्वाह बिजली के बिल में चली जाएगी। मनु मनु चलो उसका एसी चल के देखते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है, हमारा लगेगा कि इसका एसी कितना अच्छा है, ऐसा खरीदना चाहिए। वाकई हमारा एसी आपसे 10 गुना अच्छा है साले जी। साले जी, साले जी, सर जी, इसीलिए तो पिछले 2 घंटे से जीजू उसकी फिटिंग कर रहे चलो पूजा तो हो गई। अच्छा जोशी, अगर चाहे तो ऐश्वर्या और पांडे को बुला सकते हैं हमारे ऐसे देखने के लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं, वो देखो वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। कैसा है पांडू? अरे वाह देश पांडे, तूने तो कमाल का एसी खरीदा है यार। कमाल मैंने नहीं, जोशी ने किया है, उसके एक दोस्त से हमें ये एसी दिलवाया है। जोशी क्या ये वही दोस्त है जिसने हमें भी एसी दिया है? तकरीबन वही। क्या जोशी, तुमने इन्हें तो इतना अच्छा एसी दिलाया, हमें ऐसा क्यों नहीं दिलाया? क्या अपनी अपनी तकदीर है, अब किसको पता था पांडे की शादी तुमसे हो जाएगी। सुष्मिता जरा दिखाओ तो तुम्हारा एसी कैसे चलता है। एक मिनट सचिन, पहले नारियल फोड़ो। कैसे बेवकूफ लोग हैं, अरे हमें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे थे, पैसे नहीं थे, हैसियत नहीं थी, तो फ्रॉड एसी खरीद के उसने पंखा लगा दिया। पहली बार देश पांडे का इतना कचरा हुआ होगा। अरे मुझसे मुकाबला करना चला था बेवकूफ कहेगा। कौन है? क्या आज ही आजा किसी का बिल आएगा? 15,000 रुपया बिल? 15,000? जोशी के बच्चे ने मुझे बेवकूफ बनाया सेकंड हैंड एसी देके, अब 15,000 का बिल कैसे भरेंगे? पांडे पांडे पांडे, आओ जोशी आओ, तुम्हारे बारे में ही जिक्र कर रहे थे हम यहाँ। करना भी चाहिए, एसी का बैलेंस पेमेंट जो आज दे रहे हैं 5,000। तेरे घर के सामने